नमस्कार, अरे नहीं वो मराठी में बोल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रॉय महेश शराबी हूँ एंड आई एम हैप्पी टू से कि एक्चुअली मैं डबल विनर हूँ, क्योंकि मैं ए मेंबर हूँ और मैं एल एनॉन मेंबर भी हूँ। क्योंकि 20 साल पहला मैं एक अल्कोहलिक से शादी किया और अभी हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन इसलिए मैं एल एनॉन में गया टू डील विद माई एल्कोहलिक। हमारे घर में झगड़ा बहुत अच्छा होता था। यू कॉल योर स्पॉन्सर, नहीं यू कॉल योर स्पॉन्सर, तू मेरा इन्वेंट्री मत ले, मैं तेरा ही इन्वेंट्री ले। बहुत मजा आता है क्योंकि दोनों ए मेंबर है ना। सो मेरा टॉपिक है वर्किंग विद अदर्स। और जस्ट वेरी ब्रीफली, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, माँ बाप दोनों डॉक्टर है, डैडी का साइड है क्रिश्चियन फैमिली, मदर का साइड है हिंदू फैमिली। अभी कौन सा भगवान सही है मेरे को पता नहीं, सो आई इमीडिएटली पार्टेड कंपनी विद गॉड। बचपन से ही भगवान को नहीं मानता तो, और दोनों साइड, दोनों फैमिली का साइड पे अल्कोहल था। तो ये डॉक्टर लोग सैटरडे संडे पार्टीज रखते, तो हम लोग देखते व्हेन वी वर किड्स कि इन लोग एक दो पैक पीते हैं, खाना खाते हैं, घर को जाते हैं। मेरे जैसा कभी उन लोग को पिया नहीं, नो झगड़ा, नो मारा मारी, कोई अपना पटलून में पिसाब नहीं किया, कोई गाड़ी का चावी नहीं घुमाया। लेकिन तो मेरा मन में दिस इज द वे टू ड्रिंक अल्कोहल। लेकिन पहला मैं आप सबसे एडवांस में सबका माफी मांगता हूँ, क्योंकि आप सब दिल्ली से है, आपका हिंदी बहुत शुद्ध है और मैं तो बॉम्बे से है यार, इधर ही उधर ही टोटल फालतू हिंदी हमारा बॉम्बे का। सो प्लीज पहले से ही माफी कर दे। अच्छा, थैंक यू। तो दूसरा चीज है ये आफ्टर लंच स्पीकर जो है ना, ये हम लोग को बहुत डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि हम सब 5-6 जन इधर बैठ के पूरा आँख खोल के स्पीकर को कॉन्सेंट्रेट करने का, तुम लोग उधर बैठ के आराम से आँख बंद करे मैं सुनता हूँ सेरेनिटी से। क्या इतना रिसेंटमेंट इधर ऊपर हम लोग का। वर्किंग विद अदर्स, जब भी मैं 16 साल था आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और मेरा ड्रिंकिंग स्टोरी बहुत सिंपल है। मैं शराब पिया, बहुत मजा आया, मैं और भी पिया, फिर थोड़ा सजा आना लगा। पहला प्रॉब्लम था कॉलेज का, 3 साल मैं 3 साल लगा 1 साल कंप्लीट करने के लिए, वो भी एक्चुअली सब सब्जेक्ट में फेल हो गया, लेकिन वो टीचर लोग कितना कंटाल हो गया, सब पास करके 12th स्टैंडर्ड में भेजा। फिर वो कॉलेज का प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो किसी के, वो प्रिंसिपल को बोला कि मैं कॉलेज में ड्रग्स बांटता था। वो तो सही था, लेकिन बदल गया। लेकिन वो मेरा दोस्त क्यों बोला उसको, और मेरे को निकाल दिया कॉलेज से। तो मैं काम पे गया, आई स्टार्टेड वर्किंग एट बॉम्बे एयरपोर्ट, मैं मैनेजर था एक एयरलाइन में। तो मेरा ड्रिंकिंग बदल गया, आई वेंट फ्रॉम वीकेंड ड्रिंकिंग टू डेली ड्रिंकिंग। अभी जब भी डेली ड्रिंकिंग चालू होता है, पैसा कम होता है जेब में, जब भी पैसा कम होता है जेब में तो घर में झगड़ा। उस टाइम मेरा एंगेजमेंट हुआ था मेरा हाई स्कूल का गर्लफ्रेंड से, और तो अभी पैसा नहीं, हनी व्हेन आर वी गेटिंग मैरिड, नेक्स्ट ईयर हनी साला 10 साल के लिए मैं खींचा, नेक्स्ट ईयर। तो अभी हनी भी गया और मैं भी गया, दो डायरेक्शन। तो उस टाइम में मैं अल्कोहल का दो बहुत अच्छी क्वालिटीज मैं सीखा, एक है टेम्पररी डेफनेस। बीबी का मुंह ऐसा चलता है लेकिन मैं कुछ सुनते नहीं। दूसरा है टेम्पररी एमनीजिया, दूसरा दिन सुबह तुमने ये तुम वो किया, तुम फलाना किया, अच्छा मेरे को कुछ याद नहीं है, नेक्स्ट टाइम तुम लिख के दे दो। तो उसके बाद में काम पे प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैं इतना पीने लगा कि मैं सुबह काम पे जाके सब पूरा हैंगओवर, अरे इतना हैंगओवर, मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में एक फाइल खींच के एयरपोर्ट के एक साइड से दूसरा साइड को जाते, आई एम लुकिंग फॉर अ लॉस्ट बैग, आई एम लुकिंग फॉर अ लॉस्ट चाइल्ड। अरे क्या है हैंगओवर नीचे आने के लिए। और मैं कार्गो में काम करता था, तो कार्गो में हम लोग को बैग हैंडलिंग भी करते हैं। क्या बेचारा, कितने लोग का बैग मैं किधर बेचा, बैग पे लिखा है वैंकूवर, बैग पहुंच गया व्लादिवोस्टोक, बैग पे लिखा है अमृतसर, बैग गया अदिस अबाबा। So, अगर किसी का बैग घूम गया कोई एयरलाइन पे, प्लीज मैं अभी अमेंड्स करता हूँ। तो उसके बाद में जब ये, अब बैग तो घुमाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खाली कस्टमर डांटेगा काउंटर पे, लेकिन जब ये कार्गो गलत जगह में जाता है तो प्रॉब्लम होता है।
अरे वो लाइव चिकन्स जो एम्स्टरडम जाने का था और सारा टोक्यो गया, बहुत प्रॉब्लम होते, तो तीन चार नौकरी निकल गया ऐसा। उसके बाद में मैं बोला फॉरगेट ये साला एयरलाइन बिजनेस, इसमें कुछ मजा नहीं है। तो एक दिन मैं, मेरा दोस्त पिक्चर का डायरेक्टर है, वो नुक्कड़ इंतजार मन, वो कंपनी का सईद मिर्जा था, तो एक दिन हम लोग बात करते, अरे क्या यार तू एयरलाइन में काम करते, चल तू आ जा मेरा कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर बन जाओ। बोला बहुत अच्छा आइडिया है यार, 10 ड्रिंक के बाद में मेरे को क्या फिल्म का कुछ पता ही नहीं, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर बनने का बहुत अच्छा है। दूसरा दिन मैं उसका ऑफिस में गया, बोला तू क्या कर रहे इधर, मैं बोला अरे कल तुम मेरे को हायर किया, वो भी भूल गया था। अपनी प्रॉब्लम क्या था कि रात को 2 बजे में मेरा एयरलाइन का बॉस को जाके गाली देते कल नौकरी छोड़ा। सो आई गॉट इनटू फिल्म बिजनेस और इसमें मेरा एंड ऑफ द स्टोरी हो गया, क्योंकि 10 दिसंबर 1989 हम लोग गोवा में था, हम लोग एक सर्कस टीवी सीरियल का शूटिंग करता था और मैं तो सुबह से फुल टाइम मोटरसाइकिल पे बैठा। 7 दिन के बाद में मैं गोवा मेडिकल कॉलेज में उठा, मैं कोमा में था क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल खड्डे में गया, 36 stitches in my head, 8 हड्डी टूट गया मेरा, और शायद मैं आपका अल्कोहलिक से मिला क्योंकि जब भी उन लोग मेरे को लॉक किया ना हॉस्पिटल में, मैं भी तीसरा वाला से निकल के गैप पीने के, और 2 पैक पीने के बाद में मैं और एक मोटरसाइकिल लिया भाड़ा पे, और मैं बोला अभी हेलमेट का जरूरत नहीं है क्योंकि बैंडेज है ना मेरे सिर के। तो उन लोग सब मेरे को पैकअप करके वापस बॉम्बे भेजा और 3 महीना मैं पिया। सो दैट्स व्हाट इट वाज लाइक। जब भी मेरा उम्र था 22, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में गया, नहीं भेज दिया मेरे को। मेरा दादी माँ का भाई वो सोबर हो गया 1957 में, वो नंबर फोर था इंडिया में। तो मेरा दादी माँ ने देखा, अरे ये तो साला सुबह सुबह पीता है, ये तो अल्कोहलिक है, बोलते तू अल्कोहलिक है, तुम जाओ ये मीटिंग में। अभी मैं दादी माँ से बहुत प्यार किया तो मैं गया, लेकिन कैसा गया, पहला 3 पैक मार के गया, देखेगा क्या। फिर मेरे को मालूम है मीटिंग है 7:30-8 बजे जाओ, लेट जाओ, कोई मेरे को कुछ नहीं पूछेगा। तो मैं गया, अरे सब बुढ़े लोग कुधर यार, अभी मेरा उम्र है 55, मैं भी बुढ़ा बन गया। तो मैं 22 उम्र में बैठ के इन लोग सब, अरे मैं इधर गिरा, मैं उधर गिरा, नौकरी गया, छोकरी गया, फल ऐसा है, ये मेरा कुछ नहीं हो गया। मैं भी इंग्लिश ही पीता था, कौन इंग्लिश पे, आपने इंग्लिश पे है ना, मैं बोला अरे मैं इंग्लिश ही पीता है, मैं इन लोग जैसा नहीं है। तो 1984 से 1990 तक मैं तो पीते रहा, ए में जाता था 2-3 महीने के बाद में, और ये सब चीज जो मैंने बोला, 4 नौकरी, कलेजी सूज गया, एंगेजमेंट टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, नौकरी गया, घर गया, सब गया, और उस हालत में मैं ए में आया एंड फाइनली 22 अप्रैल 1990, 27 साल पहले मैंने मेरा आखिरी ड्रिंक लिया। और मैं, ये तो ऊपर वाला का कृपा है, मैं को सिर्फ ये डायरेक्शंस मैं फॉलो किया। तो मैं ए में गया तो उन लोग बोला ये स्टेप्स करने गए, बोले ये स्टेप्स वाला करेगा तो हेवन जाने का ये पासपोर्ट है, मेरे को ये कुछ इच्छा नहीं इतना जल्दी संत बनने के लिए। देख मेरा उम्र 28, उन लोग सब 55-60, मेरे को कुछ चौकरी को पटाने का है, फ्राइडे नाइट सिंगल बैचलर, इन लोग अरे मेरा ये पेमेंट देने का गाड़ी का ये वो। तो मैं देखा इधर ये स्टेप 1, इधर गया स्टेप्स, हाँ उधर 12 स्टेप्स, स्टेप 1 पावरलेस, हाँ वो तो मैं मानना पड़ेगा, मैं कितना कोशिश किया बट आई कुडंट स्टॉप। स्टेप 2, उसमें भगवान है, अभी मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। तो बोला रॉय तो तू पीने वाला है, तो मैं बोला मैं क्या करूँ, और बहुत अच्छा से उन लोग मेरे को बताया page 46 से, योर ओन कॉन्सेप्ट, अरे मेरे को मत सुनाओ ये क्रिश्चियन धर्म ये हिंदू धर्म, तू मेरे को एक बात बोल, तेरा पास कोई दोस्त बच गया क्या अब तक। मैं बोला हाँ, क्यों बच गया, अरे वो अच्छा है, वो मेरे को पैसा देते हैं, वो मेरे लिए झूठ बोलते हैं, मेरे लिए छोकरी ढूंढते हैं, मेरे लिए काम अच्छा, एक काम कर तू लिख दे इसका सब अच्छा क्वालिटीज, मैं लिख दिया। तो ए मेरे को एक ही सवाल पूछा, अगर बाय चांस गलती से इस दुनिया में एक भगवान है तो,
तेरे को चाहिए कि वो भगवान में वो क्वालिटीज हो जाओ? मैं बोला हाँ। तो बोला ए में वही लिखा है पेज 46, योर ओन कॉन्सेप्ट हाउएवर इज एडिक्वेट इज सफिशिएंट। मैं बोला यो वो मैं कर सकता है। तो मेरा स्पॉन्सर बोला वेरी गुड, स्टेप वन और स्टेप टू हो गया। तो बोला तो ऊर्जा शक्ति नहीं मानता है ना? मैं बोला ना। बोला लेकिन तुम मानता है कि हमारा स्टोरी तुम्हारा स्टोरी जैसा है? मैं बोला हाँ। तो बोला अल्कोहल के बारे में हम तुमसे बड़ा शक्ति है? मैं बोला हाँ। तुम करेगा जो हम बोलेगा? मैं बोला हाँ। वेरी गुड, तीसरा पैरी ले लिया तुमने, पूरा ए ग्रुप तुम्हारा हायर पावर है। तो उस हिसाब से मैं स्टेप्स फिनिश किया और मैं कभी पिया नहीं। अभी आया वर्किंग विद अदर्स, अभी मैं सोबर हो गया, मैं 5-6 महीना सोबर हो गया, सब स्टेप्स फिनिश हो गया। अभी ये मैसेज कैसा देने का? अपना नीरव ना, निर्मल निर्मल भाई जैसे, मैं भी जाके इंटरव्यू ग्रुप में बैठ के फोन कॉल्स ये वो। और तो ऊपर वाले के कृपा से दिल्ली का एक मेंबर है मोहन करके, जब भी मैं 3 महीने सोबर था वो बॉम्बे विजिट करता था, और वो शेयरिंग में उसने बिग बुक उठा के कुछ कोटेशन किया और उसका मोहन का शेयरिंग किया। मैं बोला अरे ये तो मैं कभी सुना भी नहीं, और उस टाइम इंडिया में हम बिग बुक्स भी था ही नहीं। तो मेरा बहन जो यूएसए में रहते है उसने मेरे को एक बिग बुक भेजा, और मेरे को कुछ टेप्स मिला ओल्ड टाइमर्स का, और मैं वो टेप सुनते रहा और मैं स्टडी किया ये बुक। अभी पेज 89 अपना बिग बुक में वो बोलता है हम ये क्यों करो, व्हाई डू आई नीड टू डू द 12 स्टेप। ये 12वां पैरी क्या बोलता है कि हैविंग हैड एन आध्यात्मिक अनुभव, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमको हुआ तो हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज। कौन सा मैसेज? पहला में मैसेज सीखना मांगता है। मैसेज क्या है? मैसेज नहीं है मीटिंग में आओ और बैठो, कुर्सी गर्म करो और फिर भाग जाओ। मैसेज है अगर तेरा पास शराब का प्रॉब्लम है और तुम शराब से दूर नहीं रह सकते तो हमारे पास एक सोल्यूशन है, और अगर आप वो कर सकते हैं तो तुम भी शराब से दूर हो सकते हैं। क्या है ये मैसेज? एक, मैं हार माना। दूसरा, मैं कौन सा भी ऊंचा शक्ति का मदद ले लो, भले तो वो शक्ति ए है या भगवान है या हाई पावर है। तीसरा, एक ईमानदारी से एक इन्वेंट्री ले लो, मैं किसके ऊपर खुन्नस है, रिजेंटमेंट है, क्या क्या डर है मेरे अंदर, मैं किसको नुकसान पहुंचाया। चौथा, कॉन्फिडेंस में किसी के साथ में शेयर करो। पांचवा, जाके माफी मांगो सबसे। और सिक्स, अभी जा ढूंढो बकरा ए में आने के लिए। तो मेरा स्पॉन्सर ऐसा ही बोला। तो मैं बोला ये सलाह बहुत कठिन है। मेरा स्पॉन्सर बोला अरे पागल, तुम 16 साल से पी रहा है ना, अभी तुम्हारा उम्र है 28, तुम ऑलरेडी ये 12 स्टेप प्रोग्राम कर रहे हैं इतना साल से। मैं बोला ऐसा कैसा? वो बोला अच्छा हम सिखाएगा तेरे को, तेरा स्टेप वन, तुम कितना सोमवार सुबह उठ के हाथ काप के जेब में कुछ पैसा ने हार माना और बोला है यार ऐसा कभी पीना नहीं मांगते। हाँ बोला बस स्टेप वन हो गया। तुम कितना बार बोला अरे मैं कितना पागल है यार, मैं कल ऐसा किया वैसा किया। हाँ अगर मैंने बोला तो कोई फोन करके बोला मेरे को, हाँ कर गया ना 12th second step इनसेनिटी। मैं बोला हाँ वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन ये भगवान भगवान 3rd step, अरे बॉस कितना बार सुबह उठ के तुम कौन सा भी अरे प्लीज हमको ये रास्ता से निकालो, मैं कभी नहीं करेगा वापस। हाँ मैं किया, मानता भी नहीं भगवान, फिर भी तू प्रार्थना करते हाँ मैं करते, वेरी गुड। हम लोग step 3 में क्या बोलते हैं? विलिंगनेस टू बिलीव, ओनली विलिंगनेस, इच्छा। वाह, अरे लेकिन चौथा पैरी, अरे भाई चौथा पैरी कितना बार तुम सुबह सुबह उठ के बोलते हाँ यार वो मेरा ही गलती था। मैं बोलेगा नहीं दूसरा को, लेकिन अपने आप को मालूम था हाँ मेरा ही गलती था, मेरा ही गलती था। हाँ वो 4th step में किया, लेकिन ये 5th step कैसा मैं बताएगा दूसरा? अरे पागल तुम तो रोज शाम को 5th step करता था, कैसा? अरे 2 पैग के बाद में तुम 5th step करता था बार में। अब बोला हाँ वो मैं करता था। और ये 6 and 7 कैरेक्टर डिफेक्ट्स, तू उधर कैरेक्टर डिफेक्ट का एक्सपर्ट बार में बैठ के, वो देख इतना आलसी है, वो देख इतना घमंडी है, वो देख इतना ये है। बोला हाँ वो भी है। व्हाट अबाउट 8 and 9, ये माफी बिफी मांगने का? अरे बॉस
ये 12 साल का पीने में कितना बार तुम माफी मांगा? अरे रोज तो माफी मांगा, ऑलरेडी बस अभी सोबरिटी में करो। हाँ, वो हिसाब से करेगा तो अच्छा है यार। लेकिन ये व्हाट अबाउट दिस 12वां स्टेप, दूसरा को मदद करने का? अरे रॉय, तू तो हर बार में सोशल वर्कर ही बन गया ना। अरे क्या है तेरा प्रॉब्लम? नहीं नहीं तेरा बीबी को ऐसा बात करो, नहीं तेरा बॉस को ऐसा बात। हाँ वो तो सही बात है। सो बोला, ऑल वी आर टेलिंग यू इज दैट इन सोब्राइटी यू हैव टू डू दी स्टेप्स एंड एस्पेशली द 12 स्टेप वर्किंग विद अदर्स। सो ऑन पेज 89 पहला उन लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शोज दैट नथिंग विल इंश्योर इम्यूनिटी फ्रॉम ड्रिंकिंग एज इंटेंसिव वर्क विद अदर एल्कोहलिक्स, विच मीन्स जब भी मैं दूसरा शराबी के साथ में मैं 12 स्टेप या स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, पसीना मैं पसीना करना मांगते, आई हैव टू स्वेट। क्यों? डॉक्टर बॉब का स्टोरी है, पतला बुक में 175 और इंग्लिश बुक में पेज 181 में डॉक्टर बॉब ने बोला, मैं दूसरा को यह संदेश देता है 4 कारण के लिए। नंबर 1, इट इज अ ड्यूटी, ये मेरा जिम्मेदारी है, मैंने 12 पैरी सीखा, मैं सोबर हूं, मैं ये मेरा जिम्मेदारी है दूसरा को दिखाने का है। नंबर 2, इट इज अ प्लेजर, बहुत मजा आता है जब ये दूसरा को अपना स्टोरी बताता है। नंबर 3, ये अपना ग्रेटिट्यूड है कि एक आदमी ने उसका टाइम निकाल के मेरे साथ में बैठ के ये पूरा स्टेप्स बताया, अभी ये मेरा ग्रेटिट्यूड। अभी मैं लोनावला, मैं यूएसए में रहता हूँ, न्यूयॉर्क में रहता हूँ गया 25 साल से, तो इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। लेकिन अभी मैं लोनावला में काम करता है, आज सुबह 3 बजे मैं उठा, पुणे में गया, फ्लाइट लिया, यहाँ आया, आज रात को मैं वापस जाएगा क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम है वहाँ। बट दैट इज स्टेप 3, बाई डूइंग दिस आई एम गिविंग माई ग्रेटिट्यूड टू द मैन हु हेल्प्ड मी। एंड नंबर 4, बेस्ट रीजन, ये मेरा इंश्योरेंस, क्योंकि जब भी मैं करते है क्या रे तू जाके पहले सीधा बन जा। हाँ, बस अभी मैं एक पैक पिएगा मैं उसके हालत में होएगा। तो पेज 89 में वो बोलता है कि हम ये करना ही पड़ेगा, कैरी दिस मैसेज। कौन सा मैसेज? कि ये 12 पैरी चलते हैं। एए मीटिंग, व्हाई डू वी गो टू एए मीटिंग्स? एए मीटिंग्स इज विजिबल प्रूफ, ये तो साबूत है कि 12 स्टेप का प्रोग्राम चलता है, वेदर इट्स एलनॉन और वेदर इट्स ए और एलटीन और जो भी अदर ए 12 स्टेप प्रोग्राम है, दिस इज द विजुअल प्रूफ, क्योंकि मेरा जैसा शराबी हमको देखने का है, हाँ ये चलता है कि नहीं, हाँ चलता है। दैट इज व्हाई वी आर हियर। आई एम नॉट हियर टू से मेरा बीबी ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है। पेज 90 ऑफ द बिग बुक, जब भी मैं नया नया प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं, इन लोग इंस्ट्रक्शन बताया, 1937 में लिखा, 1939 में पब्लिश किया, पेज 90, व्हेन यू डिस्कवर अ प्रॉस्पेक्ट फॉर अल्कोहलिक्स अनोनिमस, फाइंड आउट ऑल हाउ मच यू कैन अबाउट हिम। अभी मैं एक उदाहरण देता, तो हम लोग इंटर ग्रुप में बैठा था 1993 में, और उस टाइम हम लोग बॉम्बे का बस में एक स्टिकर कैंपेन लगाया, इंग्लिश हिंदी मराठी और गुजराती में हम लोग स्टिकर लगाया बस में, डू यू हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग कॉल ए। तो एक औरत फोन किया और आया ऑफिस में, गुजराती था, रोती थी, अरे मारो भाई मेरो हस्बैंड एम छे तेम छे जो भी थे। तो अभी बिग बुक में बोला फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट हिम, तो हम लोग पूछा उसका उम्र क्या है, उसका नहीं, बिग बुक में लिखा है भाई, उसका उम्र क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका एडुकेशन क्या है, वो काम करते हैं क्या टाइम सुबह पीता है, पूरा हिस्ट्री हम लोग निकाला। तो हिंदू था, वो डबल ग्रेजुएट था, BA MCOM, वो मेरा स्कूल का ग्रेजुएट था, अभी वो अनएम्प्लॉयड था, सुबह वो बैठ के पूरा दिन मटका और गैम्बलिंग करता था, 6 बजे वो जाता था पीने को, एडुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग चाली में रहता था। तो हम लोग प्लानिंग करता था, अच्छा तो अभी इसको 12 स्टेप करने का कोई हाई लेवल मेंबर को लेके जा। तो बॉम्बे में उस टाइम हम लोग 2 शिप का कैप्टन था, एक था कैप्टन सुनील इंडियन नेवी था, दूसरा था कैप्टन शिरीष मर्चेंट नेवी का। तो हम तीनों जन सुबह 5:30 बजे फुल सूट पहन के हम लोग गए उसका घर पे, टक 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 ये खोला, हाँ कौन साला, 3 जन फुल सूट पहन के, और हम लोग स्ट्रेट इंग्लिश में बात किया क्योंकि बीबी बोला ही स्पीक्स इंग्लिश। आई सर हे मिस्टर शेखर हाउ यू डूइंग, यू फ्रॉम सेंट मैरी स्कूल, आई ग्रेजुएट फ्रॉम, मीट कैप्टन सुनील, तुम लोग कौन है? वी हैव कम फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हाँ प्लीज आइए बैठिए। बेचारा बीबी को उठा, अरे चाय बनाओ कुछ नहीं घर में।
बिग बुक पेज 90, फाइंड आउट हाउ मच यू कैन अबाउट हिम. वो था हिंदू, मैं दो हिंदू मेंबर को लेके गया. वो तो एडुकेटेड, हम एडुकेटेड मेंबर को लेके गया. वो डबल ग्रेजुएट था, मैं साला कैप्टन लिया शिप का. अभी इफेक्ट नहीं, लेकिन सुन, अभी इफेक्ट देखो शराबी के ऊपर. इफेक्ट था जब भी हम लोग अपना स्टोरीज बताए, बोला साला इन लोग का ड्रिंकिंग मेरा जैसा ड्रिंकिंग, लेकिन ये शिप का कैप्टन. और 6 बजे आया सुबह, हम लोग ने बॉस तेरे को पीने का है ना, तू पी के मर, लेकिन तेरे को हमारा स्टोरी बोल के हम और एक दिन जी सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, हम लोग जा रहे हैं. अरे खैर ना बॉस, तुम लोग कैसा छोड़ा. हाँ, हम लोग एक मीटिंग में जाते, तेरे को जाने का क्या. बोला हाँ मेरे को जाने का. तो मैं बोला देख तू एक काम कर, तुम शाम को 6 बजे तक मत पी और मैं आके लेके. तो बस वापस मैं जीन्स बीन्स गया उसको मीटिंग को. अब तक वो सोबर है, सोबर है. आप जैसा उसको एक सोबर बच्चा हो गया, अच्छा करियर है हो गया. सो पेज 90, लेकिन बिग बुक ने हमको स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शन दिया. पेज 91, टेल हिम योर स्टोरी. जब भी नया प्रोस्पेक्ट को मिला, अपना स्टोरी बताओ. जैसा अभी मैडम ने बताया, एलानॉन में आने के पहले कैसा था, एलानॉन में आके क्या मैंने सीखा और अभी कैसा है. और जैसे कितने सारे मेंबर्स पूरे दिन हम लोग वही फॉर्मूला लिया. पेज 91 में लिखा है, आई डोंट हैव टू गेस. चलो उधर बाहर जाके भारतनाट्यम करो, नहीं लिखा है क्या करने का. पेज 92 में उसको बोलने का है, मैं इस तरीके से क्यों पिया, क्योंकि ये एक बीमारी है. अभी काफी सारे मेंबर्स बीमारी के बारे में बात किया, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी, तो आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट. बट द मेन थिंग इज, उस पेज 91-92 में लिखा है डॉक्टर सिल्क, उसको बताओ कि डॉक्टर सिल्कवत ने क्या बोला. और डॉक्टर सिल्कवत ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया. इंग्लिश में RID बोलते हैं, रेस्टलेस इरिटेबल एंड डिसकंटेंट, और हिंदी और गुजराती में BCA बोलते हैं, बेचैन चिड़चिड़ापन एंड असंतोष. इसलिए मैं पीता हूं क्योंकि अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम नहीं है, अल्कोहल मेरा सोल्यूशन है. जब भी मेरे को प्रॉब्लम होते है, दो पैग पियो फिर देखेगा. फिर पेज 93 में उसको बताने का है, बॉस मैं इस तरीके से बाहर निकला, मैं मान लिया कि एक ऊंचा शक्ति है, जो भी तेरा शक्ति है तुम कर ले. मेरा पहला स्पॉन्सर इंडिया में था मुसलमान, मेरा दूसरा स्पॉन्सर था मराठी, तीसरा स्पॉन्सर था सिंधी, चौथा स्पॉन्सर था मलबारी, पांचवा स्पॉन्सर था मारवाड़ी. 3 साल के बाद में फाइनली मेरे को एक मेरा जैसा हाफ क्रिश्चियन हाफ हिंदू मिला. तो ये मेरा हाथ में नहीं, जो मेरा जरूरत है भगवान मेरे को उस तरीके से. अभी ऐसा बिल विल्सन स्टॉक ब्रोकर, और वो किसके मिला, डॉक्टर. सुनो यार, ये भगवान का हाथ नहीं है तो क्या है. एक स्टॉक ब्रोकर डॉक्टर को सिखाते बीमारी क्या है, थिंक अबाउट दैट. भगवान का हाथ नहीं होते, कौन डॉक्टर सुने. अभी एक काम, मैं कोई भी जाओ कौन सा भी डॉक्टर का ऑफिस में, ए बॉस माय नेम इज रॉय, आई एम फ्रॉम AA, अभी हम तुमको बीमारी के बारे में सिखाएगा, 2 लाफा मार के साला तेरे को बाहर फेंकेगा क्लिनिक से. लेकिन भगवान का हाथ, वो डॉक्टर बाब सुना और वो सोबर हो गया, और आज हम लोग सब पैदा है इधर ए में. तो पेज 94 में फाइनली उन लोग बोलते हैं, टेल हिम व्हाट द प्रोग्राम ऑफ एक्शन इज. देख बॉस, मैं हार माना, मैं एक ऊंचा शक्ति का मदद लिया, ए का ऊंचा बिंचा शक्ति नहीं बोलने का, 12 स्टेप में मैं ए का मदद लिया, मैं दूसरा ब्योड़ा का मदद लिया. अरे चल तू आज शाम को क्या करते है, चल हम लोग एक पार्टी में जाते हैं ना, उधर हमको ग्रेपवाइन मिलेगा. ग्रेपवाइन, हाँ चल जाएगा. वो बेचारा आते हम उसको एक मैगजीन देते हैं, ग्रेपवाइन मैगजीन. ये सब हमारा छोटा ट्रिक्स. तो वो बोलता है टेल हिम द प्रोग्राम ऑफ एक्शन. हार मान लिया, ईमानदारी से अंदर में देखा, मैं कोशिश करता हूँ मेरा जिंदगी साफ करने के लिए और दूसरे को मदद करने का. तेरे को चाहिए, हाँ दे दो उसको एक बिग बुक. अभी अमेरिका में सिगरेट पैकेट का भाव हो गया $11, लेकिन बिग बुक का भाव है $10. जब भी अभी निर्मल ने बोला स्कूटर में पेट्रोल 215 रुपी का एक्स्ट्रा लार्ज अमेरिकानो कॉफी है, लेकिन जब भी किटी बॉक्स, अरे 20 का नोट क्या डलेगा, 10 डालेगा ना. किधर है मेरा स्पिरिचुअलिटी, किधर है मेरा सेरेनिटी.
वी टेल देम द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और फाइनली पेज 95 में उन लोग बताए उसको होमवर्क दे दो, आस्क हिम टू रीड दिस बुक, उसको बोला बॉस तुम ये बुक पढ़ो, तुम ये बुक पढ़ो और तुम निर्णय करो कि तुमको ये करने का है कि नहीं करने का, अगर करने का है तो मेरे को फोन करो। तो दो तीन हे रॉय कैसा है, मेरा 21 साल, तू बुक पढ़ा क्या, नहीं, चल जब पढ़ने के बाद में मेरे को फोन कर, नहीं तो मैं मीटिंग में मिलता हूँ। तो जब ये बुक पढ़ता है पेज 96 में बोला, उसको पूछो दो सवाल, सवाल नंबर वन बुक पढ़ा क्या, झूठ बोलो मेरे को, बोलो हाँ मैं थोड़ी टेस्ट लेने वाला है, बुक पढ़ा हाँ पढ़ा, तुम ये 12 पैरी करने के लिए तैयार है, बुक में लिखा है हैविंग हैड द एक्सपीरियंस यू कैन गिव ए मच वैल्यूएबल एडवाइस, बॉस मैंने 12 पैरी किया, मैं आपको बता सकता हूँ मैं कैसा किया, अगर आपको चाहिए आप कर दो, लेइंग द स्पिरिचुअल किट एट हिज फीट, आपको चाहिए आप उठाओ हम बता सकता हूँ। पेज 98 पे लिखा है टेल द मैन दैट ही कैन गेट वेल रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, ओनली थिंग ही नीड्स इज द रिलेशनशिप विद द हायर पावर, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स, एंड फाइनली पेज वन एंड देन फाइनली वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, आ जॉब ऑन पेज 77 is to be a maximum service to God and the people around us. Not only AA, not only Al-Anon. कौन सा भी? अभी सुबह जब भी मैं बाहर गया, मैं ऊपर गया और मैं देखा वो steps के ऊपर वो side में एक opening था, about इतना बड़ा, और मैं तो अपना ढुंकी में बैठा, I almost fell down, 10 फुट का drop था, तो मैं एक आगे organizer member से बोला, देख इधर कुछ safety करना, बच्चे लोग आए या बच्चे लोग, अरे बच्चे लोग छोड़ो मैं तो गिरेगा है, तो आके दो तीन वो पॉटेड प्लांट्स डाला उधर एक सेफ्टी नेट, बी ऑफ मैक्सिमम सर्विस टू गॉड एंड द पीपल अराउंड अस, ना चल नहीं तुम अल्कोहलिक नहीं है हम तुमको मदद नहीं करेगा, आ क्या तुम एलानॉन है ना जा एलानॉन मीटिंग में हम मदद नहीं करेगा, चल के जाओ मीटिंग में मैं जाते गाड़ी में, तुम जाओ दो बस पकड़ के, ना वी हैव टू बी ऑफ सर्विस टू एवरीवन। और फाइनली ऑन पेज 120 उन लोग बोलते हैं कि योर जॉब इज नाउ टू बी ऑफ मैक्सिमम सर्विस, सो नेवर हेजिटेट टू गो एनीवेयर वेयर यू कैन बी ऑफ हेल्प। अभी मैं दो तीन क्विक उदाहरण देता हूँ। 1993 मैं 3 साल सोबर था, मैं वो नौकरी वापस मिला साइद मिर्जा का कंपनी में, और हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला फुल इंडिया जाके स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, यूनाइटेड नेशंस का पिक्चर हम लोग बनाता था। उस टाइम एए इंडिया में सिर्फ 12 स्टेट में था, तो जाने के पहले मैंने इंटरग्रुप में जाके सब पैम्फलेट्स लिया 8-10 लैंग्वेजेस में, और रोज हम लोग जो भी गांव में रोकता था मैं पूरा सेटिंग करके तो शूटिंग चालू करता था उधर, और मैं पूरा गांव में घूमते बकरा ढूंढते, ये बॉस इधर किसी को प्रॉब्लम है क्या, हाँ मेरा नाम रॉय, मैं शरय, कौन जानो कोई हो सोबर हुआ या नहीं हुआ, और एए इतना छोटा था इंडिया में, वो 6 महीना में हम सिर्फ 2 जगह में मीटिंग मिला, एक था नई दिल्ली और एक था हैदराबाद, बाकी हम लोग सब गांव गांव में, मैंने पिया, मेरा काम एज प्रोडक्शन मैनेजर रोज दारू खरीद के इन लोग को दे दो, ये था मेरा काम, हमने पिया, मैंने क्या किया, रोज मैं एक लेटर लिखता था मेरे कोई मेंबर को, दैट वॉज माई मीटिंग, आज मैं इसके ऊपर रिजेंटमेंट है, आज मेरा ये फियर है, That was my meeting. मैं pamphlets दिया ये गांव में और मैं sober रहा। 1995 में ऊपर वाला मेरे को एक मौका दिया दुबई जाना। मैं शारजा में था। शारजा में कोई AA meeting था ही नहीं। How many did we have in Dubai? 2। हाँ, 4 meeting दुबई में था। एक था अबू धाबी में और हम लोग साला शारजा में लटका के कड़का अभी पैसा देने का दुबई जाने का मीटिंग के लिए। और एक मेंबर आया और हम दोनों पहला मीटिंग स्टार्ट किया शारजा में। अब तक वो मीटिंग चालू है जस्ट फॉर टुडे ट्यूजडे नाइट। और विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, गो एनीवेयर। तो रमेश और मैं एक दिन देरा टैक्सी स्टैंड में बैठ के हम लोग स्टेप्स करता था, वो तो एक राउंड अप हो गया और सब ये रशियन यू नो ये लेडीज लोग जो अच्छा काम नहीं करते है और ड्रग डीलर्स वो सब, और उतने में वो सब मुतावा रिलीजियस पुलिस आके सब फड़ा 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 सबको पकड़ के लेता था। हम दोनों साला पसीना, अरे बाप रे,
तो आया वो बुक लिया, मैं बोला अरे गया मेरा बिग बुक, और वो बिग बुक में अल्कोहल लिखा है शारजा में, हम लोग गए तो अंदर रमेश और मैं दोनों तक, तो उसने बुक खोला बोलता ये क्या है, तो हम लोग बोला नहीं ये एक बुक है जो हम लोग पढ़ते हैं ना हम लोग शराब से दूर रहते हैं। हो बहुत अच्छा, वो एक्चुअली वो रिलीजियस पुलिस का इंचार्ज था, तो उसको बोला ये दोनों को बैठ बैठ के दो, इट वॉज क्रेजी, दैट इज मिरेकल्स। तो वो बोलता है गॉड विल कीप यू अनहार्म्ड। और फाइनली 1995 में मैं यूएसए में गया, मैं ड्रग और अल्कोहल थेरेपिस्ट बन गया, और ऊपर वाला मेरे ऊपर कितना दया रखा, मेरा पहला नौकरी अमेरिका में एक छोटा सा क्लिनिक, उसका नाम नवनिर्माण, और हम लोग इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर से काम करता था, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उन लोग दारू पीते हैं और बीबी को मारते हैं, और भगवान मेरे को वही कंपनी का डायरेक्टर बनाया। बट इट वॉज अ मौका, कौन सोचेगा साला यूएस में जाके और अपना ही भाषा में काम करने को मौका मिलेगा, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं सोबर रहा, सोब्राइटी में मैं शादी किया, जैसा मैं बोला एक ए मेंबर से मेरा एक बच्चा हुआ, ही हैज नेवर सीन, वो उसने हम दोनों को नहीं देखा, अभी हमारा डाइवोर्स भी हो गया, बट दैट इज लाइफ, इसने किधर लिखा नहीं, चलो ए में आ गया अभी हैप्पीली एवर आफ्टर, नौकरी में जाएगा, रिलेशन होता है, पीपल विल गेट सिक, पीपल विल हैव प्रॉब्लम्स, पीपल विल गेट ब्रोक, ये तो होता है, बट इफ आई एम विलिंग टू डू द 12 स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस, आई एम प्रीटी श्योर आई विल नॉट ड्रिंक टूडे। तो आई एंड विद दिस, तो अभी रोज मैं ये करता हूं, सुबह मैं नींद से उठ के पहले मैं बोलते हे भगवान आज का दिन मेरे को सोबर रखो, वो एक लाइन बोल के मेरा स्टेप वन और स्टेप टू हो गया, क्योंकि आज तक मेरे पास शक्ति नहीं है, आई एम स्टिल पावरलेस, आई कैन नॉट हैव अ ड्रिंक, दैट इज व्हाई स्टेप वन आई एम पावरलेस, एंड नंबर टू भगवान मेरे को सोबर ले दो। फिर मैं शावर में जाता है, शावर में मैं मेरा तीसरा पैरी और सातवां पैरी करते हैं, हे ले लो मेरा इच्छा सोचने का ढंग आज के लिए, और मेरा जो भी तकलीफ है निकाल दो, और फिर मैं प्रिवेंशन प्लान लगाता है, हे भगवान आज मैं जरूर किसी को साला प्रॉब्लम पहुंचाएगा, अभी उसको प्रार्थना करो, दे दो उसको अच्छा गुड हेल्थ लॉन्ग लाइफ सब, और फिर मेरा डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर ले लो, और जो आपका इच्छा है मेरे को करने का करो। फिर मैं बैठ के 11 स्टेप में मेरा प्लान ऑफ द डे मैं लिखता हूँ, ये करने का वो करने का फलाना ठिकाना, और फिर मैं जाता हूँ, दिन में मौका मिलता है 10 स्टेप करना हो एंड आई कैन क्विकली मेक अमेंड्स, और रात को सोने के पहले मैं 11वां पैरी, आई डू माई रिव्यू ऑफ द डे एंड फाइनली 12 स्टेप, जब भी मौका मिलता है टू शेयर माई एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप, मैं ना तो नहीं बोलता हूँ। तो मैं बहुत आभार हूँ कि दिली ने मुझको इन्वाइट किया, मेरा एक्सपीरियंस एंड होप शेयर करना है, स्पेशली टू नितेश वो मेरे को हाउंड किया 6 महीने से मेरे पीछे, कमान यार चलना यार कमान, ओके चलो मैं आ रहा हूँ, एंड स्पेशली टू ऑल द स्पीकर्स ऑन द पैनल, टू माय सिस्टर्स इन एलनॉन, एंड इफ देयर इज एनीवन हियर आई एम अ सैटिस्फाइड कस्टमर, इट वर्क्स, थैंक यू।